आज मैं एक ऐसा ब्रेकफास्ट बना रही हूँ जो हेल्दी, टेस्टी और बनाने में बहुत ही इजी है। तो आज आप देख रहे हो मैंने अप्पे बनाए हैं। या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शनल है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीजें और बहुत जल्दी यह ब्रेकफास्ट बन के तैयार हो जाता है। अगर सुबह भागा दौड़ी रहती है, इतनी जल्दी हम कोई नया नाश्ता नहीं बना पाते, तो आप इस तरह से यह टेस्टी यमी अप्पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके भी बताइए कि आपको यह कैसा लगा। हाय एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर एक बाउल में हम सबसे पहले 2 कप सूजी लेंगे और सूजी आप मोटी वाली लीजिएगा, उससे बहुत अच्छे अप्पे बनते हैं। 1 कप दही लेंगे तो दही खट्टा होगा तो भी सही रहेगा और फ्रेश होगा तो भी कोई सा भी ले सकते हो। 1 कप पानी लिया है जिसे हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, यह एक ऐसा ब्रेकफास्ट है जो बच्चों, बड़े और सभी को बहुत पसंद आता है, तो एक बार इसे जरूर ट्राई करें। वैसे तो आई एम श्योर सभी यह ब्रेकफास्ट बना ही लेते हैं, बट सबके बनाने का तरीका अलग अलग रहता है। तो आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप देख लो, मैंने पूरा 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, उसके बाद इसे हमें 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है, क्योंकि सूजी है वह फूलती है तो इसका रेस्ट जरूरी है। तो इसे कवर करके साइड में रखेंगे। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियां ली हैं जिसमें मैंने ऑनियन, आधी शिमला मिर्ची, थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है। इसे हम इस चॉपर में डालकर बारीक चॉप कर लेंगे, उसके बाद इस अप्पे के बैटर में इसे हम यूज करेंगे। तो सब्जियों को आप बारीक ही चॉप कीजिएगा। तो बैटर को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जो सूजी है अच्छे से फूल चुकी है। अभी इसमें पानी की जरूरत है, तो इसमें मैं बस 2 से 3 टेबल स्पून ही पानी डालूंगी, क्योंकि हम सब्जी डाल रहे हैं, सब्जियों में खूब पानी रहता है और सब्जियां जब नमक के कांटेक्ट में आती हैं तो वह काफी पानी रिलीज कर देती हैं। तो आप बैटर को थोड़ा थिक ही रखिएगा, तो इतना ही इससे हम पतला रखेंगे। अब इसमें आप देख लो कितनी बारीक सब्जियां चॉप हो जाती हैं चॉपर में। तो आप जल्दी से इस चॉपर का यूज करें, क्योंकि सुबह की भागा दौड़ी इतनी रहती है, बच्चों को तैयार करना रहता है, उनका बैग लगाना रहता है। तो आप इस तरह से चॉपर का यूज करके सब्जियों को बारीक चॉप करें, इन्हें अच्छे से मिक्स करें। और इसके बाद इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसकी जगह आप चाहो तो तीखी या कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें जो मसाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आपको जो जो डालने हैं वो डाल सकते हैं, क्योंकि यह साउथ इंडियन डिश रहती है फ्रेंड्स। इस बैटर से आप चीला भी इसमें बना सकते हो, उत्पम जिसे हम बोलते हैं। तो आप एक बैटर से 2 ब्रेकफास्ट बनाकर तैयार कर सकते हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम तड़का लगाएंगे, बहुत टेस्ट इससे बढ़ जाता है। तो मैंने 2 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे, बारीक चॉप किए हुए करी लीव्स डालेंगे। आप चाहो तो साबित भी डाल सकते हो, पर बारीक चॉप करके डालते हैं तो बच्चे क्या है खा लेते हैं, नहीं तो वह निकाल निकाल कर फेंकते हैं। इसे हम थोड़ा सा तेल में भून लेंगे इस तरह से, और इस तड़के को हम बैटर में डाल देंगे। तो यह तड़का फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगी आप जरूर लगाएं, इससे जो टेस्ट है बहुत दुगना हो जाता है। इस तड़के को अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर के साथ, और इस तड़के पैन में हम 2 टेबल स्पून पानी डालकर इस बैटर में डाल देंगे, जिसके पैन में थोड़ा बहुत तड़का रह जाता है वह भी आ जाता है। और बैटर मेरे को थोड़ा सा थिक लग रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और इसमें यूज किया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून इनो डालेंगे, अगर बैटर कम है तो 1/2 टीस्पून डालें। इसे एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालें, इसे अच्छे से मिक्स करें। आप चाहो तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो, बस बेकिंग सोडा आपको 1/4 टीस्पून ही डालना है, क्योंकि बेकिंग सोडा ज़्यादा हो गया तो आपके बैटर में जो टेस्ट है चेंज हो जाएगा, थोड़ा साबुन का सा टेस्ट आएगा, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है काफ़ी स्ट्रांग रहता है। अब इनो को अच्छे से मिक्स करके इसके चलिए अप्पे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब अप्पे पैन को मैंने हल्का सा गरम कर लिया है, ज्यादा गरम नहीं करना है। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर लेंगे और इस अप्पे पैन में हम घी लगाएंगे, आप चाहो तो बटर या ऑयल भी लगा सकते हो। अब हमने जो बैटर बनाया है 1/1 टीस्पून इस अप्पे पैन में फिल करेंगे, ज्यादा फिल नहीं करना है, क्योंकि यह अभी फूलेगा तो जो बैटर है बाहर आएगा। और अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप इसका उत्पम बना सकते हो, जैसे छोटे छोटे पैनकेक रहते हैं उस टाइप का बना सकते हो, वह भी
बहुत ही टेस्टी बनता है। टेस्ट तो दोनों का सेम ही रहता है, बस हमें आकार देना रहता है। आप चाहो कैसा भी उसका आकार दे सकते हो। और इसे अब हम कवर कर देंगे और 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हमें पकाना है, जैसे हम उत्पम पकाते हैं ऊपर से ड्राई होने तक। तो 2 मिनट बाद चेक करते हैं, तो ये देखिए ऊपर से अप्पे बिल्कुल ड्राई दिख रहे हैं, तो इन्हें अब फ्लिप करेंगे। उससे पहले इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा घी और डाल देंगे, जिससे क्या है जब ऊपर का हिस्सा जब नीचे जाएगा तो उसमें घी रहेगा और अच्छे से बेक होगा। तो इसके बाद इसे हम फ्लिप करेंगे, तो पैनी वाली नाइफ लीजिएगा इस तरह से, आप चाहो तो टूथपिक भी ले सकते हो, उससे इस तरह से हम फ्लिप करेंगे तो बड़ी आसानी से फ्रेंड्स यह फ्लिप हो जाते हैं। और आप देख रहे हैं हल्के से नीचे से ब्राउन हो चुके हैं। इसी स्टेज पर आपको इन अप्पे को फ्लिप करना है। और अब फिर से हम थोड़ा थोड़ा सा घी इसके अंदर और डालेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो घी का यूज है आप अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आप कम खाते हो तो इसमें कम घी भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो अप्पे पैन है नॉन स्टिक का है तो वह चिपकेगा नहीं, बट बच्चों के लिए हम बना रहे हैं तो अच्छे से घी डालकर बनाएं। अब इसे हम बंद करके और बेक करेंगे अच्छा ब्राउन होने तक। तो थोड़ी देर बाद मैंने इसे बेक किया है, तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स कितने अच्छे से यह बेक हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल नीचे से अच्छा ब्राउन बेक हो चुका है और ऊपर से थोड़ा कम बेक हुआ है, तो मैं थोड़ी 1 मिनट और ऊपर से बेक कर लूंगी इस तरह से फ्लिप करते हुए। तो दोनों साइड से आप अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कीजिएगा। तो अप्पे जो है दोनों साइड से अच्छे से बेक हो चुके हैं, तो फ्लेम को बंद कर देंगे और अप्पे को बाहर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर अब टिफिन पैक कर रही हूँ, तो सबसे पहले टिफिन में हम इस तरह से सिल्वर फॉइल लगाएंगे और इसमें अप्पे रखेंगे। तो अप्पे फ्रेंड्स आप हल्के से थोड़ा ठंडा करके रखें, क्योंकि अगर आपने गरम गरम टिफिन बॉक्स में यह अप्पे रखे तो वह पसीजेंगे और उसमें पानी आएगा, इसलिए खराब हो जाएंगे। और इसके साथ इसमें हम सॉस रखेंगे, तो सॉस को आप ऐसे ही नहीं रख सकते हो। तो मेरे पास पाउच रखे थे जो 1-1 रुपीज वाले आते हैं, उसे ऊपर से कट करके रख देंगे तो बच्चे को निकालने में आसानी रहेगी और टिफिन में से बाहर भी नहीं निकलेगा। और इसके ऊपर का जो ढक्कन आया है वह लगाएंगे। और इसमें फ्रेंड्स मैं इसके लिए एप्पल रखती हूँ थोड़ा सा, और थोड़े से काजू रखती हूँ। तो आज का हमारा बच्चे का लंच बॉक्स टिफिन बनके तैयार है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके भी बताएं कि आपको यह कैसी लगी। और फ्रेंड्स फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय एंड टेक केयर।